कॉलेज कैंपस हैं जहां लाइब्रेरी के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, कंप्यूटर के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, लेकिन वहां कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरकार का कोई खेल का सामान नहीं था, केवल एक लूडो और एक कैरम बोर्ड लाकर उसकी खानापूर्ति की गई है और ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है, जिसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बू आ रही है। में छोटे बच्चों को खेलने के लिए सरकार के द्वारा कुछ सामान दिया गया था, वो जो लगभग 5,000 रुपये सरकार के द्वारा हर एक प्राइमरी स्कूल के लिए एक सर्वे कराया था पूरे जिले भर के अंदर। उस सर्वे के माध्यम से हमें पता चला है कि जो 5,000 रुपये सरकार के द्वारा बेसिक प्राइमरी स्कूलों में के लिए दिए गए थे, कहीं भी ऐसा कोई सामान विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा अलीगढ़ के जिले भर में 7 दिन तक एक सर्वे किया गया, जिसमें बेसिक, इंटर, डिग्री कॉलेज, BTC कॉलेज, सारे कॉलेजों का सर्वे किया गया और उन्होंने देखा कि बहुत सारी अनियमितताएं कॉलेजों के अंदर आ रही हैं। जिस प्रकार से देखने को मिला है कि एक बेसिक के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला, 9 करोड़ का घोटाला किया गया है, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए 5,000 रुपये ऊपर से आए थे, लेकिन वहाँ जब कॉलेजों में देखने को मिला तो वहाँ मुश्किल से 1,000 या 500 रुपये के सामान उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े घोटाला हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। और इंटर कॉलेजों के अंदर बहुत सारे कॉलेजों में कंप्यूटर लैब के नाम पर अवैध वसूली हो रही है, लाइब्रेरी हो चाहे ना, पानी पीने का है ना, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ छात्राओं के टॉयलेट करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन छात्राएं पढ़ने के मजबूरी की वजह से आ रहे हैं और वो सुविधा नहीं है। और डिग्री कॉलेजों के अंदर प्रवेश के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, बहुत से छात्रों को छला जा रहा है और प्रवेश के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। वहीं एक अलीगढ़ के छात्रों के साथ छल किया गया, जिस प्रकार से कुछ कथाकथित छात्र नेताओं और एक अधिकारियों के द्वारा घोषणा कर दी गई कि अलीगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय मिलने वाला है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा आदेश नहीं था कि अलीगढ़ के अंदर राज्य विश्वविद्यालय होना चाहिए। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी, अभी आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का संपूर्ण उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से आज मिला है और जल्द ही अलीगढ़ का एक प्रतिनिधिमंडल इन सारी शिकायतों को लेकर मिलने वाला है। विद्यार्थी परिषद के द्वारा गत 7 दिन पूर्व एक सर्वे कराया गया प्राइमरी और माध्यमिक एवं हायर एजुकेशन के में। जिस प्रकार से प्राइमरी की अगर बात किया तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जब प्राइमरी विद्यालय में जाकर देखा, सरकार के द्वारा पर हेड विद्यालय को 5,000 रुपये स्पोर्ट्स के नाम पर दिए गए थे, लेकिन स्पोर्ट्स के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है, स्पोर्ट्स के नाम पर टेनिस और कैरम बोर्ड तक ही लाकर छात्रों को संतुष्ट कर दिया गया, यानी कि जहां 5,000 का सामान आना था वहां 700 रुपये का सामान लाकर ही संतुष्ट कर दिया गया। पूरे जिले के अंदर लगभग 9 करोड़ का ये घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। जब कॉलेज प्राचार्य से बात करने की बात हम लोगों ने की तो उनका सीधा कहना था जितना ऊपर से आया साहब मैंने उतना ही दिया है, लेकिन इस पर कोई भी संतुष्ट जवाब हम लोगों हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं मिला। इसी तरीके से इंटर कॉलेजों के माध्यमिक विद्यालयों में जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गए तो वहाँ प्राथमिक जो सुविधाएँ टॉयलेट्स, पंखा, पीने का पानी, इस प्रकार के किसी प्रकार के कॉलेज के अंदर बैठने की सुविधा नहीं है, लेकिन ना होने के बावजूद छात्र पढ़ने के लिए मजबूर है। ऐसी स्थिति में देखते हुए विद्यार्थी परिषद ने एक बहुत बड़ा सर्वे करने के बाद जिस प्रकार से अगर बात की जाए AD बेसिक और डाइट प्राचार प्राइवेट स्कूल महानगर और जिले के अंदर जिस प्रकार से अवैध कई मदों के नाम पर BTC के छात्रों से अवैध वसूली की जा रही है, उसमें पूर्ण रूप से डाइट प्राचार AD बेसिक इसमें संदिग्ध भूमिका है। इसी तरीके से अगर बात की जाए जिले के अंदर जिला अधिकारी की, तो जिले अधिकारी की अगर बात की जाए कुछ तथाकथित नेताओं के द्वारा हर वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी जिला अधिकारी की संलिप्तता के साथ उन्होंने जिस प्रकार से अपने स्तर से ही विश्वविद्यालय की घोषणा कर दी, मुझे लगता है इससे बड़ा छात्रों के साथ कोई भी छलावा नहीं होगा। लगातार जिलाधिकारी के द्वारा और तथाकथित छात्र नेताओं के द्वारा छात्रों का छल किया जा रहा है। ऐसी कई और अगर बात करें जिले के अंदर जिस प्रकार से छात्राओं को कॉलेज कैंपस में जाना और रास्ते में और कॉलेज कैंपस के अंदर छेड़छाड़ की घटनाएं आए दिन बढ़ती चली जा रही हैं।